नमस्ते प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको कारक की परिभाषा बता रही हूँ एक्सप्लेन करके और उदाहरण के साथ विद एग्जांपल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कारक एंड विद एग्जांपल। सो कारक शब्द का अर्थ है कारक। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। ओके, कोई भी व्यक्ति जो कोई काम करेगा उसको करने वाला। ओके, क्रिया को करने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, स्पेशली इट विल शो द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर थिंग्स और अदर वर्ब। ओके, दैट इज कारक। ओके, उसे कारक कहते हैं। अगेन आई विल रिपीट, कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ओके, सो यहाँ पे जो ने है, को है, से, ये जो शब्द है ये कहलाते हैं कारक। ओके, सो इनसे हमें पता चलता है कि किस संज्ञा ने, किस सर्वनाम ने क्या क्रिया की है। ओके, सो यहाँ पे ने श्री राम से भी जुड़ा है और रावण से भी जुड़ा है, को और से, सो ये सारे शब्द जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण होता है इंग्लिश में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता क्या क्या हो सकती है, गुण हो सकता है, दोष हो सकती है, संख्या या परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, एक, दो, ये सारे विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, उदाहरण जैसे काला घोड़ा। ओके, सो यहाँ पे जो काला शब्द है वो क्या है, विशेषण। द काला शब्द, काला वर्ड इज योर विशेषण। नेक्स्ट इज घोड़ा। घोड़ा क्या होगा, ओके, घोड़ा जो होगा उसको बोलेंगे विशेष्य। ओके, जो विशेषण की विशेषता, विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेष्य। ओके, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे काला, काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा क्या होगा, घोड़ा क्या होगा, विशेष्य। ओके, सो काला घोड़ा में घोड़ा जो है वो विशेष्य कहलाएगा। काला घोड़ा में घोड़ा विशेष्य कहलाएगा। नेक्स्ट जो है, कुछ प्रकार है विशेषण के, उसमें से दो प्रकार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। पहला है गुणवाचक विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे सुंदर फूल, सुंदर फूल, सो सुंदर में जो सुंदर जो है वो फूल का गुण बता रहा है। ओके, तो गुण, सुंदर फूल, सुंदर क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। स्वस्थ बच्चे, और तो बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट इज योर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या क्या होता है, नंबर होता है, सो अगर कोई भी आपको नंबर दिख जाए तो वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल, 40 विद्यार्थी में 40 जो क्या है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। दो भाई में दो क्या हो गया, आपका संख्यावाचक विशेषण। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको कारक
एक्सप्लेन कर दिया है और विशेषण अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस इन राइटिंग, लिख के देखिए, याद करने के बाद लिख के देखिए, ताकि आप परीक्षा में स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। धन्यवाद।